ड्राइंग पेंटिंग हर एक व्यक्ति की लाइफ का एक पार्ट होता है, चाहे वो बचपन की स्टेज हो या बड़े होकर उसे अपना एक प्रोफेशन बनाना हो। बट जरूरी नहीं कि उनको आर्ट के एलिमेंट्स के बारे में पता हो। तो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे आर्ट के एलिमेंट, कला के तत्व। सो हेलो एवरीवन, दिस इज केशव और आपका स्वागत है इस चैनल में। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आर्ट के एलिमेंट क्या होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं हमारी ड्राइंग्स, पेंटिंग, डिज़ाइन या किसी भी पर्टिकुलर आर्ट में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पाब्लो पिकासो के एक ब्यूटीफुल कोट के साथ। द पर्पस ऑफ आर्ट इज वॉशिंग द डस्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ आवर सोल्स। आर्ट के एलिमेंट को 7 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। कला के 7 तत्व हैं। पहला करते हैं बात लाइन, दूसरा शेप, तीसरा फॉर्म, चौथा कलर, पांचवा टेक्सचर, छठा स्पेस और सातवा वैल्यू। एक एक करके हम उन पर बात करेंगे। पहले पे चलते हैं लाइन के ऊपर। हमारा आर्ट का पहला एलिमेंट है लाइन, जिसे हिंदी में रेखा भी कहते हैं। ये सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, सीधी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यानी सीधी खड़ी, हॉरिजॉन्टल बड़ी, और डायगोनल होती है, तिरछी रेखाएं होती हैं, ब्रोकन लाइंस होती है, मतलब छुटी हुई लाइंस होती है ना, डैश लाइन, डॉट 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 वाली, और स्पाइरल लाइंस होती है, जिगजैग लाइंस होती है, और मेरी सबसे ज़्यादा स्पेशल इल्यूजन लाइट। ये लाइंस ना इल्यूजन भी क्रिएट करती है, जो रेखाएं होती है ना इल्यूजन भी क्रिएट करती है, आप देख सकते हो। और इन लाइनों को यूज़ करके फैंसी डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो। हमारा आर्ट का सेकंड एलिमेंट है शेप। शेप बेसिकली 2D होता है, 2 डायमेंशन, जिसके 2 ही तल दिखते हैं हमें। जैसे कि आप इस पेज को देख सकते हो, ये पेज आपको यहाँ से सही दिखेगा, बट जब ऐसे देखोगे आप, ये नहीं दिखेगा। तो क्या है ये? 2D है, ठीक है। पेंटिंग हमारी बेसिकली 2D होती है, ठीक है। तो हमारे जो शेप होते हैं वो 2D होते हैं। शेप कई तरीके के होते हैं, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक, आप देख सकते हो। आर्ट का तीसरा एलिमेंट है हमारा फॉर्म। देखिए, जब हम शेप को 3rd डायमेंशन दे देते हैं तो वो फॉर्म हो जाता है। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे हमारा स्क्वायर है, जब हम उसको 3rd डायमेंशन देंगे, हम उसको तीसरा भाग दिखाएंगे, तो वो बॉक्स बन जाते हैं। हमारा सर्कल बन जाता है सिलेंडर, हमारा ट्राइंगल बन जाता है पिरामिड, और ऐसे ही जो 3rd डायमेंशन दिखाए, मतलब वो फॉर्म है, वो शेप नहीं है। इसलिए फॉर्म हमारा हमेशा 3rd डायमेंशन में होता है। और जो मूर्ति आप देखते हो, स्कल्पचर्स देखते हो, वो सारा क्या होता है? फॉर्म्स है। 3rd डायमेंशन मतलब आप चारों तरफ से उसे देख सकते हो, उसमें गहराई होती है, उसमें डेप्थ होता है, इसलिए उसे फॉर्म कहते हैं। हमारा आर्ट का चौथा एलिमेंट है कलर। कलर, जिसको रंग भी कहते हैं, इसको अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें, तो ये आँखों पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। और ज़्यादा साइंटिफिक देखें तो लाइट की क्वालिटी है, प्रकाश का गुण है। और जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, इसाक न्यूटन, उनकी थ्योरी आपने देखी होगी, जो प्रिज्म की थ्योरी थी, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कैसे एक वाइट लाइट आती है प्रिज्म के अंदर और कैसे 7 लाइट में डिवाइडेड हो जाती है, जिसको ऊपर से देखे तो विप गयोर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में रेड। और इसकी वेवलेंथ भी, जैसे रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। तो इन 7 रंगों का कैसे बताया था इसाक न्यूटन ने अपने प्रिज्म थ्योरी के अंदर। तो ऐसे ही हमारी लाइट की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने यहाँ पे बताई है। और अगर हम जो एज ए पेंटिंग वाले वे में देखें, तो सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी कलर हमारे बेसिकली 3 होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। इनको अगर हम मिलाएं तो हम सेकेंडरी कलर पाते हैं। जैसे ब्लू और येलो को मिला देंगे तो ग्रीन कलर बनेगा, ब्लू और रेड को मिला देंगे तो पर्पल कलर मिलेगा, येलो और रेड को मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर मिलता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कलर थे। इसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी को मिलाने पर टर्शरी कलर बनते हैं। टर्शरी के बाद ऐसे ही उसका, यानी कलर व्हील बहुत बड़ा तैयार किया जाता है।
कलर के मूड के हिसाब से भी डेवलप किया जाता है। जैसे कूल कलर होते हैं हमारे ब्लू, ग्रीन, वाइट, है ना, थोड़े से कूल सूथिंग, और थोड़े से हॉट कलर्स भी होते हैं जैसे सन से रिलेटेड, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, थोड़े से गर्म कलर, हॉट कलर, और कूल कलर जो ठंडे कलर होते हैं थोड़े से ब्लूइश होते हैं, ग्रीनिश, वाइटिश, और यहाँ पर जो थोड़े से वार्म कलर होते हैं वो थोड़े से गर्म, मतलब लाल, जैसे लाल लावा होता है, और ऑरेंज, येलो, पीला, जैसे नॉन वेज के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता है और वेज के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। और हर एक कंट्री में अलग अलग वैल्यूज़ होती है अलग अलग पर्टिकुलर कलर्स की। कला का हमारा पांचवा तत्व है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, जब हम किसी कलर में वाइट या ब्लैक ऐड करते हैं उसको गहरा या हल्का बनाने के लिए, मतलब डार्क की ओर ले जाने के लिए ब्लैक ऐड करते हैं और वाइट करते हैं लाइट की ओर ले जाने के लिए। जैसे हमारे सामने ब्लू कलर है, ब्लू में मैंने थोड़ा सा वाइट मिलाया तो वो थोड़ा सा लाइट ब्लू बनेगा, फिर थोड़ा सा और वाइट मिलाया तो थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट ब्लू बनेगा, है ना, और अगर मैंने ब्लू में हल्का सा ब्लैक मिलाया तो वो थोड़ा सा डार्क ब्लू बनेगा, और ऐसे ही थोड़ा सा डार्क की ओर जाएगा अगर मैं उसमें ज़्यादा ब्लैक ऐड करता जाऊँ। तो ये सारी जो एडिंग है कलर के अंदर उसको वैल्यू कहते हैं, कलर का गुण जो लाइट और डार्क की ओर डिपिक्ट करता है, शो करता है हमें। आर्ट का छठा एलिमेंट है हमारा टेक्सचर, जिसको हिंदी में पोत भी कहा जाता है, खुदरापन, ठीक है। इसको ना हम, इसमें एक क्वालिटी होती है, इसको ना हम देखकर फील कर सकते हैं बिना छुए। जैसे आप पत्थर को देखिए और अपनी स्किन को देखिए, आप तुरंत बता दोगे कौन सॉफ्ट है और कौन सी हार्ड है ना। तो ये विजुअली आप उसको क्या हो गए, आप अवेयर हो गए, है ना। कांटे को आप दूर से बता सकते हो कि ये नुकीला है, इससे दूर रहें, और फूल से आप थोड़ा सा पास जाओगे, है ना, क्योंकि आपको पता है वो सॉफ्ट होता है, खुशबूदार होता है। तो वैसे ही टेक्सचर होता है हमारा, जिससे हम पता कर लेते हैं देखकर कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ़ है, कैसा उसका टेक्सचर है, मतलब बेसिकली कहा जाए एक सरफेस की क्वालिटी, किसी सतह का गुण टेक्सचर होता है पोत और खुदरापन, जो भी कह सकते हो आप। और आर्ट का सेवेंथ एलिमेंट है स्पेस। स्पेस देखिए दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। और जैसे नेगेटिव स्पेस मतलब जहाँ पर जगह ज़्यादा है, पॉजिटिव मतलब जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, फोरग्राउंड है, नेगेटिव मतलब आपका बैकग्राउंड, और दोनों मिलाकर एक इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं। और स्पेस बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्ट वर्क में, क्योंकि विदाउट स्पेस आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, अरेंज नहीं कर पाते ढंग से, तो स्पेस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाओगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है हवा यानी ऑक्सीजन लेने के लिए, या आप एक ऐसे यानी जगह पे जाओगे जहाँ पे लोग कम हैं, अच्छी वातावरण है, स्पेस ही स्पेस है, तो वो आपके उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए ड्राइंग में स्पेस की बहुत अहम भूमिका है कि हम कैसे अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, कितने बैलेंस के साथ, कितने स्पेस देकर हर एक एलिमेंट को अच्छे से दिखा सकते हैं। तो ये थे हमारे आर्ट के एलिमेंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानने को मिला हो कि आर्ट के एलिमेंट क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, और आई होप इससे आप अपने आर्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको, बेहतर बना सको। तो मैं लास्ट में इस कोट के साथ ख़त्म करूँगा कि साइंस आर्ट के बारे में क्या कहती है। Art makes you a better thinker, a better person. Art makes the world a better place. That's what we care about. So thanks for watching this video. Keshav this side and see you in another video.